शाम गुलाबी, शहर गुलाबी, पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर। मैं भी गुलाबी, तू है गुलाबी, दिन भी गुलाबी है गुलाबी ये कहर। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत गुप्ता, इतिहास दस्तक दे रहा है। अब से तकरीबन 17 घंटे बाद भारत का पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा। हम और आप इतिहास के गवाह रहेंगे, क्योंकि आज विराट कोहली ने भी कहा कि भारत की टीम बड़ी उत्साहित है। वो जानते हैं कि इतिहास है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये क्रिकेट इतनी आसान नहीं होने वाली। तो गुलाबी बॉल है, लेकिन कप्तान लाल इसलिए है क्योंकि कप्तान का मानना है कि बल्लेबाजों को अभी भी दिक्कत आ रही है गेंद साइड करने में। उनका मानना है कि फील्डिंग करना आसान नहीं है, खास तौर से कह रहे हैं कि स्लिपों में गेंद, जो फील्डर हैं उनके हाथ पर गेंद लग रही है, ऐसा लगता है जैसे हॉकी की गेंद से खेला जा रहा हो। लेकिन जो भी है, कल 1 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होगा। अब 5 दिन चलेगा या जितने भी दिन चलेगा, इतिहास तो रचा ही जाएगा, शायद क्रिकेट की तस्वीर भी यहां से बदले। कई दिग्गज वहां आएंगे। 70,000 टिकटें पहले चारों दिनों की पहले से ही बिक चुकी हैं, और पैरा ट्रूपर्स आएंगे जो पिंक बॉल दोनों कप्तानों को आकर देंगे। चलिए देखते हैं कि भारत की टीम की तैयारी किस तरह से। मेरे हाथ में वही गेंद है, वही एसजी टेस्ट का गुलाबी गेंद है, जिसे कल टेस्ट मैच में इस्तेमाल किया जाएगा, और आने वाले दिन दशा और दिशा तय कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट की। वी आर रेडी फॉर द पिंक बॉल टेस्ट, आर यू? If you see in the evenings, lot of important buildings, lot of parks and areas around Eden Gardens and in the city has gone pink. We are ready for the pink ball test match. Are you? हम हैं तैयार पिंक बॉल टेस्ट के लिए, और आप? ये जोश देख रहे हैं ना आप, अभूतपूर्व है। यूं तो कोलकाता में हुगली बहती है, लेकिन फिलहाल बह रही है गुलाबी लहर। इस लहर का असर देखिए, शिकार के लिए तैयार है ये तिकड़ी। उप कप्तान के ख्वाब भी गुलाबी हो गए हैं। कप्तान के हाथ में गेंद ही गुलाबी नहीं, प्लान भी गुलाबी हो चले हैं। एक तो टेस्ट, ऊपर से बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के साथ, लेकिन माहौल फुल है बॉस, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो। आई थिंक इससे पहले ईडन में इतनी एक्साइटमेंट और इतनी बज इंडिया पाकिस्तान T20 गेम की थी, जो हम लास्ट वर्ल्ड कप में खेले थे, और वहाँ पे भी बड़े बड़े दिग्गज आए थे और सबकी फेलिसिटेशन हुई, और पैक स्टेडियम था, तो आई थिंक उस तरीके का ही एटमॉस्फेयर होगा। बहुत डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग भी हो सकता है, लेकिन बहुत एक्साइटिंग भी है। बांग्लादेश को ऐसी इज्जत शायद ही किसी ने बख्शी हो, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को शायद ही कभी किसी ने इतना VVIP ट्रीटमेंट दिया। इससे उनका हौसला कितना बढ़ा है ये जल्द ही दिखेगा, लेकिन इस माहौल से इतना जरूर हुआ है कि भारत के सितारों को जगमगाने के लिए एक नया आसमान मिला। अगर आप बैटिंग भी कर रहे हैं, अगर आप बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो जो बैट्समैन जाएंगे बाहर उनके लिए पूरा सपोर्ट होगा, जो बॉलर अपने मार्क पे खड़े हैं उनके लिए 80,000 लोग चीयर कर रहे हैं नई बॉल से, और वैसे भी पिंक बॉल से खेलना इतना आसान नहीं है, तो बॉलर्स को और बूस्ट मिलेगा। तो आई थिंक काफी पहला सेशन, मुझे लगता है पहला घंटा जो होगा काफी एक्साइटिंग क्रिकेट होगी, क्योंकि वो एनर्जी इतनी हाई होगी और लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो आई थिंक ये ऑब्वियसली एक लैंडमार्क ओकेजन है इंडियन क्रिकेट में, और जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग लकी हैं कि हम लोग इस चीज को शुरू कर रहे हैं। ईडन हाउसफुल है, सारे टिकट बिक गए हैं, मगर बिके हैं सिर्फ 4 दिन के, क्योंकि अब लोगों को यकीन नहीं है कि ये टेस्ट 5वें दिन तक जा सकता है। खैर, भारत के लिए भी ये केक वॉक नहीं होने वाला, इस गेंद से उड़ने उड़ाने में वक्त तो लगना है। The one thing that surprised me about was fielding sessions.
how in the slips the ball hit your hand so hard. It almost felt like, a heavy hockey ball that you might play with, you know, or those synthetic balls that we used to play when we were younger. खिलाड़ियों को अभी पता नहीं कि कोलकाता टेस्ट के दौरान पिंक बॉल कैसा बिहेव करेगी। डे नाइट टेस्ट में उन्हें किस तरह के बदलाव अपनी तकनीक में करने पड़ेंगे। पिंक बॉल की काली सीम को देखने में किस तरह की दिक्कत आ सकती है, उसमें पिंक बॉल किस तरह की चुनौतियां लेकर आएंगी। जो भी हो, नया एहसास है, इसलिए खास है। कोलकाता से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।